अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 11A, चैप्टर नंबर 11, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, थ्री लाइन सेगमेंट्स आर गिवन बिलो। तीन लाइन सेगमेंट्स हमें गिवन है जो आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर मिलेंगी। मेजर देयर लेंथ टू डिटरमिन विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट। आप लोगों ने सिंपल करना कि आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ रूलर आप लोगों ने इसकी पेमाइश ले लेनी है, मेजरमेंट कर लेना है इसको कि इसकी कितनी आ रही है। आप लोगों ने खुद लिखना, मैंने मेजर किया इसको, ये 3.2 सेंटीमीटर आई। लाइन सेगमेंट सी एफ आई 2 सेंटीमीटर और जी एच आई 3.6 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड किया कि लाइन सेगमेंट जो जी एच है ये लॉन्गेस्ट है। तो हम लोगों ने सिंपल एक सेंटेंस लिख दिया, सो द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जी एच इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर इज लॉन्गेस्ट देन अदर्स। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा लाइन सेगमेंट्स पी क्यू हुज लेंथ इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी। हमने लाइन सेगमेंट्स पी क्यू ड्रा करनी है जिसको जो हमें जो गिवन है लाइन सेगमेंट सी डी और ए बी, इनका जो डिफरेंस लेके मैं इसके इसको मैंने पहले मेजर किया। तो सी डी मेरे पास आया 5.7 सेंटीमीटर और ए बी आया 2.7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं इन दोनों का जो फ़र्क होगा, जो इनका डिफरेंस होगा, उतनी हम लोगों ने लाइन कौन सी ड्रा करनी, लाइन सेगमेंट से पी क्यू। तो हम लोगों ने सिंपल इसमें क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट्स ई बी एंड सी डी। ए बी हमारे पास आई 2.7 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट सी डी आई 5.7 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने डिफरेंस निकालते हुए सब्ट्रैक्ट करते हुए तो हमें फाइंड हुआ कि हमारे पास जो बचा वो 3 सेंटीमीटर है। तो लाइन सेगमेंट्स पी क्यू जो हमारे पास आएगा वो 3 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ रूलर लाइन सेगमेंट्स पी क्यू निकालने, 3 सेंटीमीटर की आप लोगों ने लाइन ड्रा कर लेनी है और उसका नाम रख लेना पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा लाइन सेगमेंट्स एक्स वाई ऑफ लेंथ इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स गिवन बिलो। लाइन सेगमेंट्स हमने एक्स वाई ड्रा करनी है। तो ये 3 लाइन जो हमें लाइन सेगमेंट्स हमें गिवन होंगी सेम जिस तरह से हमने लास्ट पिछले क्वेश्चनों में किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन की मेजरमेंट निकालेंगे। ए बी हमारे पास आई 2.8, फिर इसी तरह से सी डी निकालेंगे 6.7, साथ इसको हमने लिख लेंगे। इसी तरह से ई एफ निकाली तो हमारे पास आई 5.3 सेंटीमीटर। इन तीनों का सम लेके हमारे पास जितना टोटल आएगा उसके हमने एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट है उसको हमने ड्रा करना है। सम ऑफ लाइन सेगमेंट्स ए बी सी डी एंड ई एफ, ए बी जितनी मेजरमेंट वो लिखी, सी डी की और इसी तरह से ई एफ, इन तीनों का हमने सम निकाला। तो लाइन सेगमेंट्स एक्स वाई जो हमारे पास आएगी 14.8 सेंटीमीटर आएगी। तो आप लोगों ने सेंटीमीटर की साइड से विद द हेल्प ऑफ रूलर आप लोगों ने 14.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेनी है। ये मैंने ड्रा की हुई है तो उसको हमने नाम दे देना एक्स वाई का। दैट्स ऑल फॉर नाउ।